हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कंप्यूटर लैब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, क्या क्या इसकी एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं। सो आइए लेट स्टार्ट्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी डैट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई एक्सचेंजिंग वीडियो एंड ऑडियो एट द सेम टाइम। क्या बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें यूजर्स वीडियो के साथ साथ ऑडियो को एक्सचेंज करके भी कम्युनिकेट कर सकता है एट द सेम टाइम, उसी टाइम में। व्हेन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड फॉर इनफॉर्मल पर्पज, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस को नॉर्मल पर्पज के लिए यूज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ए वीडियो कॉल और वीडियो चैट, इसको वीडियो कॉल या वीडियो चैट कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्काइप, अडोब कनेक्ट, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम एट्सेट्रा। ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, इसके द्वारा हम हमारा टाइम और सोर्सेज दोनों को सेव कर सकते हैं। कॉस्ट एंड हायर सेविंग, जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस में कॉस्ट को सेव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को हायर रिसोर्सेज के साथ एक नई प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ हम अपने प्रोडक्ट जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शंस को। स्टूडेंट्स अटेंड लेक्चर एंड ट्रेनिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो स्टूडेंट जो हैं अलग अलग लोकेशन पे कहीं भी रहकर लेक्चर को और अपने ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट वे टू कीपिंग इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टेइंग एट डिस्टेंट प्लेसेस, और अलग अलग लोगों से हम अलग अलग जगह बैठ कर टच में रह सकते हैं। जैसे मान लिया कोई फैमिली मेंबर्स बाहर रहता है या कोई फ्रेंड सर्कल में है जो बाहर रहता है, उसके साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसके डायरेक्ट हम टच में रह सकते हैं। ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज हैं। अब हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इट स्टिल लैक द पर्सनल टच ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशंस, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जिससे हमारा जो पर्सनल टच है वो नहीं बन पाता, उसकी कमी रह जाती है। नेक्स्ट जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, कई बार हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पाते क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। नेक्स्ट जो है सिक्योरिंग मीटिंग्स, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करते हैं तो हमारा डाटा जो है लीक होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारा डाटा जो है सिक्योर नहीं हो पाता। और आज की जो लास्ट एडवांटेज है वो है फॉर हाई क्वालिटी डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम आर एक्सपेंसिव टू बाय, अगर हमें सही डेडिकेटेड हाई क्वालिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। ये इसकी डिसएडवांटेज थी। आज के टॉपिक में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, एडवांटेज के बारे में पढ़ा, वीडियो कॉल और वीडियो चैट किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।